जब तक हमारी आखिरी सांस है हम इस न्याय के लिए लड़ते रहे। अकेले पुष्पेंद्र के न्याय के लिए नहीं लड़ेंगे, देश में जहां जहां अन्याय होगा उस हर अन्याय के लिए हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों को नमन करना चाहता हूं कि जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, और ये झांसी की धरती है और झांसी की धरती का इतिहास रहा है। और सत्ता में बैठे काले अंग्रेजों को चेतावनी देना चाहता हूं कि क्रांति की आगाज झांसी से शुरू हो गई है। या तो आप काले अंग्रेज सुधर जाइए, वरना ये देश की जनता है जिस प्रकार गोरे अंग्रेजों को भगाया था, अब इन काले अंग्रेजों को इसी प्रकार भगाएंगे। अब हम पुष्पेंद्र के न्याय के लिए वापस मोट जा रहे हैं, तहसील पे मोट पे जा रहे हैं, शांत पूर्वक हम वही धरना प्रदर्शन। फिर हमें अगर दी गिरफ्तार करें, हमें जेल मंजूर है, लेकिन जब तक पुष्पेंद्र को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सारे देशवासियों से मेरा अनुरोध है, अगर दी तुम चाहते हो कि इस देश को आज़ादी मिले, एक अकेले पुष्पेंद्र आज हर वक्त की पीड़ित है, आज़ादी मिले तो आप साथ आइए, वरना आप घरे में चुपचाप मुर्दों की तरह पड़े रहिए, मुंह मत खोलिए। आप सीधा उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दी आपके रगों में भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का अगर दी रगों में खून है तो आप मोट की तरह मार्च कर दीजिए, वरना अगर दी आपके रगों में अंग्रेजों का खून है तो चुपचाप मौन घर में पड़े रहिए। यानी आपने ठान लिया है कि जब तक हम न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक हमारी आखिरी सांस है हम इस न्याय के लिए लड़ते रहिए। अकेले पुष्पेंद्र के न्याय के लिए नहीं लड़ेंगे, देश में जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस हर अन्याय के लिए हम लड़ेंगे। देखिए हमारे बीच में एक बुजुर्ग है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो कि जालौन से आए हुए हैं और यह लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी जेल से छूटे हैं ये भी तेज बहादुर के साथ, तो जो नौजवान हैं इनसे सबक लें। आदरणीय राष्ट्र के अभ्युदय करने वाले हमारे राष्ट्र के महान भावों एवं न्यायपालिका की मूर्तियां, मैं मतलबी नहीं हूँ, ना मतलबी रहा हूँ, ना मतलब से ताल्लुकात रखूँगा, लेकिन मानव की कीमत जानता हूँ, मानव की आकांक्षाएं जानता हूँ, मानव के अधिकारों को जानता हूँ और अंग्रेजों की चापलूसी को भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने पुरखों से सुना है। 27-12 यदि मेरे स्वतंत्र भारत में जन्म है, लेकर 162 वर्ष हो गए और 65 के हम भी चल रहे हैं, हम परतंत्र की जेड़ियों में, अंग्रेजी रूलिंग आज हमको पता चला कि अदालत में है। अरे ऐसी क्या है, हर चीज़ में अंग्रेजी रूलिंग। आज हम अगर अंग्रेजी में हाई कोर्ट की मूर्तियां न्याय ना देती तो हम और भी कुछ होते, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करेंगे और अभ्युदय अजनाब भारत का बंद नहीं होने वाला है। हमारे बीच में एक फौजी साहब और हैं जो कि लगातार लड़ रहे हैं तेज बहादुर जी के साथ, हम उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं। भारत, मैं तेज बहादुर के साथ में मंगलवार से जो है साथ में हूँ और साथ में रहूँगा। जब तक उनको पुष्पेंद्र को न्याय नहीं मिलेगी जब तक हम सीधे बैठे नहीं रहूँगा। और बैठ करके एक और नौजवान है, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष। देखिए तमाम लोग समर्थन के लिए उतर रहे हैं, देखिए हमारे एक टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं वो भी तेज बहादुर के समर्थन में आए हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आगे की रणनीति में तेज बहादुर का किस तरीके से मदद करेंगे। आज जो तेज बहादुर सिंह का जज्बा और उनका जुनून देखा है उससे खुशी हुई, जैसे अंग्रेजों टाइम में चंद्रशेखर आजाद जी ने झांसी को जो है पवित्र किया था, आज हमारे झांसी आगमन पर, तेज बहादुर सिंह के आगमन पर जो है हम लोग भी धन्य हो गए हैं और हर लड़ाई में उनके साथ हैं, न्याय की लड़ाई में सब लोग साथ हैं, हम लोग पूरे साथ ही उनके साथ हैं, जो भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम सब उनके साथ हैं। जी आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने नंबर लिखा है और तहसील मोठ में धरना प्रदर्शन चालू है, कंटिन्यू चालू रहेगा, इसलिए हम सभी देशवासियों को आह्वान करते हैं तेज बहादुर जी के माध्यम से कि सभी लोग मार्च कर दें और मोठ पहुँचे, झांसी आए, झांसी से मोठ पहुँचे और ऊपर नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क करें बराबर और यहां पहुंचने का काम करें, क्योंकि आज जिस तरीके से पुष्पेंद्र के साथ हुआ है वह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के साथ हो रहा है। यह तानाशाही रवैया को ख़त्म करना है तो आपको लड़ना होगा, क्योंकि अगर हरियाणा की धरती से आकर के तेज बहादुर जी लड़ सकते हैं तो आप लोग जो भी अगल बगल से हैं, यहाँ आसपास से हैं,
यहाँ तक कि लोग बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पहुँचें और इस वीडियो को 20-20, 25-25 ग्रुपों में शेयर करें, ताकि यह तेज बहादुर जी का जो मैसेज है, ये जो क्रांतिकारियों का मैसेज है जिन्होंने आज अपने नाम के आगे और नाम के पीछे आज़ाद लगाया है, इस देश को अंग्रेजों की जो गुलामी से मुक्त कराने का काम आज़ाद जी किए थे, और आज ये लोग यहाँ जो है शपथ लिए हैं कि हम काले अंग्रेजों से देश को आज़ाद करा के रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय।